दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन का जो कि है लोटस का, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। इसका पिक्चर भी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। तो ये है लोटस हर्बल सेफ सन और ये बोलता है कि 3-in-1 मैट लुक सन ब्लॉक के लिए है। तो ये 3-in-1 किस बोल रहा है, कौन सा 3 ये काम करता है, तो मैं बता देती हूँ। सन प्रोटेक्शन, सन लाइटिंग एंड मैट फ्लाई, मतलब ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके स्किन को लाइटिंग भी करेगा, साथ ही साथ आपको मैट लुक भी देगा। तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हो ये ऑरेंज और येलो का मिक्सअप कुछ कलर है उसके पैकेजिंग में आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। इसका छोटा बड़ा पैकेट भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। यदि आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसे आपको मैं अभी लगा के दिखाऊंगी, एक बार लगा के दिखाऊंगी तो आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि इसके फायदे क्या है, क्योंकि सन्स क्रीम होते ही है कि आपको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, आपके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि सन आपके डायरेक्ट आपके फेस में ना पड़े, इस वजह से सनस्क्रीन लगाए जाते हैं। तो आपको लगाकर आपको सन के पास जाना पड़ेगा, पूरा दिन भर देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना फायदेमंद है। तो मैंने किया है कि मैंने 1 month से इसे अप्लाई कर रही हूँ। 1 month देखने के बाद, जानने के बाद आज फाइनली रिव्यू करने के लिए मैं तैयार हुई हूँ, तब जाके आज मैं रिव्यू कर रही हूँ। इसके फायदे नुकसान जानने के बाद आपको मैं आज बताने आई हूँ। तो इसे मैंने जब ट्राई किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप डेली बेस में इसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इस प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है, 277 में आपको मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और बहुत दिन तक चलता है, ये 100 ग्राम का है और बहुत अच्छा लग रहा है पैकेजिंग भी, और ये बजट फ्रेंडली मुझे लगा। और साथ ही साथ आपके फेस को बहुत ही लाइटिंग करता है, जो बोलता है कि ये लाइटिंग करता है, तो हाँ लाइटिंग करता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं करता है, 24 hours के लिए नहीं करता है, हाँ 4 hours के लिए कर सकता है। जब आपके पसीने आने लगते हैं तब ये डल हो जाता है, ज़्यादा धूप में आप रहते हो तब आपके फेस डल होने लगते हैं। मैट लुक ये नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, मुझे नहीं लगता है कि मैट लुक देता है। हाँ, यदि आप कोई सनस्क्रीन लगा रहे हो उस पर अपने फेवरेट कोई भी क्रीम जो लाइटिंग देता है वो आप मिक्सअप करके लगाओगे तो हाँ ये लुक देगा, बहुत लंबा भी चलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सनस्क्रीन में थोड़ा सा अपना क्रीम मिक्स करके लगाया करो, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं देता है, ऑफकोर्स थोड़ा डल हो ही जाता है आगे जाके, लेकिन ये 24 hours आपको बिल्कुल लाइटिंग नहीं देगा। आपको कम से कम दिन भर में 2 बार इसे अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके आप के लिए अच्छा होगा। तो मुझे ये चीज़ इसका थोड़ा लगा कि 24 hours नहीं देता है। साथ ही साथ आपके सन से प्रोटेक्शन की बात है तो हाँ, ये सन से बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। जब हम घर आके अपने फेस को धोते हैं तो ऑफकोर्स टैनिंग वेनिंग वगैरह नहीं होती है, तो ये टैनिंग से बचाता है आपके फेस को। तो सनस्क्रीन हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए, कोई भी सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, लेकिन इसका यही है कि ये दूसरे सनस्क्रीन के मुताबिक थोड़ा सा कम चिपचिपा है, और साथ ही साथ आपके फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है और बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है फेस में, और लाइटिंग भी करता है। हाँ, बहुत लंबे समय के लिए नहीं करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए करता है। यदि आपको बहुत लंबे समय के लिए चाहिए तो आप दूसरे सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो जो लाइटिंग बहुत लंबे समय के लिए करता है, लेकिन हाँ सन से प्रोटेक्शन के लिए करता है और मैट लुक उतना नहीं देता है। तो यह था इसका फुल रिव्यू। तो आपको मैं दिखा देती हूँ ओपन करके ये अंदर से कैसा है। तो आप देख सकते हो ये अंदर से भी कुछ ऑरेंज कलर का ही है, ऑरेंज ऑरेंज सन भी होते हैं, तो ऑरेंज इसकी पैकेजिंग भी है, ऑरेंज इसका क्रीम भी है। तो आप इसे अप्लाई अपने फेस में कर सकते हो, तो मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो कि ये लगाने के बाद भी फेस लाइट कर रही है, और दूसरे आप सनस्क्रीन कोई भी लगाते हो तो आपके फेस थोड़ी सी डार्क होने लगती है, लेकिन ये तुरंत आपके फेस को डार्क नहीं करता है। हाँ, यदि आप धूप में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तब जाके ये डार्क होता है। तो यह मुझे ओवरऑल ये अच्छा लगा, और आपको मैं बोल देती हूँ कि यदि कोई सनस्क्रीन आप लगाते हो तो आप घर पर यूज़ ना करो, जरूरत के हिसाब से अपने फेस को दो। घर पर रहने के लिए सनस्क्रीन यूज़ ना करो, कोई और दूसरी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। ऐसे ही मेरे चैनल में आपको अच्छे अच्छे रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू मिलते रहते हैं। मैं अप्लाई करके सब कुछ जानने के बाद ही रिव्यू करती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।